पाकिस्तान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है, कौन सा राज्य? यह हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? यह हमारा राजस्थान। क्या आपने, मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? साथियों, राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे, अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिलीभगत रही, हमेशा सहमत रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। मेरे परिवारजनों, आप मुझे बताइए, राजस्थान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? एक दिन भी रहना चाहिए क्या? राजस्थान को ऐसी सरकार चलेगी क्या?